हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कृति फैशन डिजाइनर। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन लेकर आए हैं। तो इस तरह इसकी लंबाई ली है 14.5 इंच और 6 इंच शोल्डर लिया है, आर्मोर भी 6 इंच लिया है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग की है। अब हमें देखिए इस तरह निशान करना है, 2-2 इंच पर ये नीचे की तरफ से ये निशान निकाल लेना है। उसके बाद इस पर डिजाइन के लिए हमें इस तरह से निशान निकाल लेना है। ये 2-2 इंच पर हमने निकाला हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से निकाल लेना है पूरे पर। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें देखिए ये कपड़े को लेना है, फैलाना है। ये बॉर्डर इस पर लगा हुआ है, बॉर्डर पर ये डिजाइंस रहेगी। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई, जैसे जैसा कि हमने निशान किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह सिलाइयाँ भी डालेंगे। तो इस तरह से सिलाई में डाल लेनी है। तो सिलाई डाल लिया है, उसके बाद अब इसको कट करेंगे। तो ये कट कर देंगे और यहाँ यहाँ पर कट देखिए इस तरह से लगा लेना है। कट लगाने के बाद इसको इस तरह से पलटना है। अब इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद सिलाई ऊपर से लगाएंगे। तो सिलाई में देखिए इस तरह से लगा लेनी है। अब ये बना लेंगे पूरा और साइड से सिलाइयाँ इस पर डाल लेंगे। उसके बाद गले की कटिंग करेंगे बुकरम के ऊपर। तो ये देखिए हमने सिलाई इस तरह डाल दी है। अब हमें बराबर से फोल्ड करते हुए ये निशान निकाल लेना है। उसके बाद करना है गले की कटिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हमने कैनवास पेपर लिया हुआ है। अब गले की चौड़ाई का निशान हमने लगाया 2.5 इंच से, 2 पॉइंट ज़्यादा लिया है। लंबाई का निशान लगाया 10.5 इंच पर, जैसा कि आपने देखा। और इस तरह से इसको चौकोर गले का निशान निकाल लिया है। चौकोर गले का निशान निकालने के बाद अब देखिए हमें इस तरफ से हमें इस तरह मटके गले का शेप देना है एक तरफ से। फिर यहाँ से थोड़ा अंदर लेना है, ऊपर से 3 इंच छोड़ते हुए, और इस तरह निकालना है। अब ये सीधी वाली साइड हमें देखिए इस तरह से लेना है, 2 इंच 2 पॉइंट और बढ़ाना है। तो बुकरम पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा लेनी है, क्योंकि इस वाली साइड से देखिए ये यहाँ पर 2 इंच 2 पॉइंट और निकाला हमने। उसके बाद इस तरह 2 निशान निकालें। ये 3 डिजाइंस के निशान इस तरह से इस वाली साइड निकालने हैं। ये चौकोर वाली सीधी वाली साइड एक देखिए इस तरह से निकाला। अब उसी के साइज का ये बुकरम कट कर लिया है, ताकि उसी साइज का अब ये 3 निशान कट हमारा रहे। तो ये देखिए उसको रखते हुए इस तरह निकाल लिया है। तो इस तरह निकालने के बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये कट कर लिया, ये सीधा वाला पार्ट अलग कर लिया, और ये राउंड वाला पार्ट यहाँ से देखिए इस तरह रहेगा। अब देखिए पट्टी को हमने ये कपड़े पर रखते हुए पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब इसको इस तरह से सिलाई लगा लेना है बाहर की तरफ से। कपड़े को लेना है और ये लाइनिंग मिलाकर रखनी है, सेंटर लाइनिंग पूरे गले पर सिलाई फिर डालनी है। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई डाल देना है। फिर हमें इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद कट पूरे पर कट लगाना है राउंड वाली साइड। और यहाँ पर देखिए अच्छे से कपड़े को निकालते हुए इसको पलटना है कैनवास पट्टी को, और ऊपर से एक सिलाई लगाना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह में सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई इस तरह लगा ली है, इस तरह इसको तैयार किया। उसके बाद हमें ये वाला पार्ट लेना है, डिजाइन वाला, और इस ये कपड़े पर निकालना है। तो ये देखिए मेन वाला फैब्रिक लगाकर हमने जो ये कपड़ा पट्टी तैयार की है, उसके ऊपर ये बुकरम रखते हुए इस तरह सिलाई लगानी है। अलग अलग से सिलाई हमने डाल दी है, इसको कट करना है पट्टी पर। बीच में जो थोड़ा गैप है वहाँ से पट्टी कट होगी। तो इस तरह से कट करना है, उसके बाद कट लगाना है। फिर यहाँ से पट्टी कट करना है, सिर्फ पट्टी कट करना है, कपड़ा नहीं। और फिर इसको इस तरह से पलट कर निकालना है। तो ये हमने देखिए पलट कर निकाल कर इस पर प्रेस कर लिया है। उसके बाद हमें ये लेस लेना है। तो ये गोल्डन लेस लिया हमने, और इस तरह से इसको लगाएंगे।
अब ये डिजाइंस का पार्ट पूरा अलग से तैयार होगा, उसके बाद गले पर लगेगा। तो इस तरह हमें इसको लगा देना है, पूरे पर लगा देंगे। तो ये देखिए लगा दिया है। अब एक तरफ से ये कपड़ा हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया था, पट्टी के साइज का इसको फोल्ड कर लेना है। जहाँ से पट्टी है वहाँ से एक तरफ फोल्ड करके सिलाई डाल देना है, एक तरफ खुला रहने देंगे क्योंकि नीचे सिलाई में ही चला जाएगा। गले वाली साइड फोल्ड करना है। उसके बाद इस तरह से हमें लटकन बना लेनी है। तो ये छोटी छोटी सी, ये देखिए इस तरह से लटकन बनाएंगे इस पर लगाने के लिए। तो ये तीन हमने बना ली है, इसमें एक दो मोती डाल देंगे, दो या तीन। और यहाँ पर देखिए इस तरह इसको लगा देंगे ले जाकर। ये साइड ऊपर की तरफ रहेगी, तरह तीनों पर मोती लगा दी है। अब इस साइड से देखिए इसको फोल्ड कर लेना है, जहाँ से हमारी पट्टी है बुकरम। तो ये फोल्ड कर दिया, अब इसको इस तरह से लगा देना है। तो बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से डिजाइन आप बना सकते हैं। हाफ मटके गले पर ये डिजाइन है, देखिए इस तरह से इसको लगा देंगे। लगाने के बाद अब यहाँ तक सिलाई हमने ली, और यहाँ से हमें लेस इस तरफ लगाना है, वहीं से लेस लगाना शुरू कर देंगे। और इस साइड लेस लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से लेस लगा देना है। तो ये देखिए लेस को लगा दिया। अब दोनों प्लेट डाल देंगे, गले पर डोरी लगेगी। उसके बाद डिजाइन हमारा तैयार हो गया है। डिजाइन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।